नमस्कार, leluram.com में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष। आपने आनंद कुमार की सुपर 30 कोचिंग क्लासेस का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही जिस पर ऋतिक रोशन ने सुपर 30 ही नाम से ही एक फिल्म भी बनाई थी। जी, लेकिन हम बात सुपर 30 कोचिंग क्लासेस की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जिंदगी की। जी, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बात जिंदगी की करनी है तो सुपर 30 को लाने की क्या ज़रूरत थी। तो एक्चुअली एक कनेक्शन है। जिंदगी नाम की ये जो पहल है वो अजय बहादुर सिंह ने आनंद कुमार से ही प्रेरित होकर शुरू की है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अजय बहादुर सिंह के वहाँ मेडिकल की तैयारी कराई जाती है, जबकि सुपर 30 में इंजीनियरिंग के छात्रों की तैयारी कराई जाती है। गणितज्ञ आनंद कुमार के प्रसिद्ध सुपर 30 से प्रेरित एक ऐसी ही शानदार पहल की शुरुआत ओडिशा में हुई है, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग के बजाय मेडिकल की तैयारी कराई जाती है। जिंदगी नाम की यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित इस अद्भुत कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कराने के लिए सब्जी विक्रेताओं, मछुआरों और गरीब किसानों जैसे समाज में हाशिए पर पड़े लोगों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस पहल को शुरू करने की कहानी के पीछे जो शख्स है उसका नाम है अजय बहादुर सिंह। उन्हें अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और परिवार का पेट भरने के लिए चाय और शरबत बेचना पड़ा था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में वर्ष 2016 में शुरू किया गया जिंदगी कार्यक्रम वर्तमान में 19 मेधावी छात्रों को मेडिकल की तैयारी करवा रहा है, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आए हुए हैं, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत एक राज्य स्तरीय परीक्षा के माध्यम से गरीब पृष्ठभूमि के चयनित प्रतिभाशाली छात्रों को डॉक्टर बनने में मदद करने के लिए शिक्षा दी जाती है, जिन्हें मुफ्त भोजन, आवास और अन्य तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके 14 छात्रों ने 2018 में नीट में सफलता पाई थी, जिनमें से 12 को ओडिशा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी दाखिला मिला है, जिनकी उपलब्धियों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जुलाई में उन्हें सम्मानित भी किया था। यहाँ पढ़ रहे बच्चों में कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास इतना प्रबल है कि उनकी गरीबी भी उनके मार्ग में बाधा पैदा नहीं कर सकती। अजय बहादुर सिंह बताते हैं कि वह यह सब गरीब बच्चों को उनके सपने पूरे करने में मदद करने के लिए कर रहे हैं। वह इन बच्चों के जरिए अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष के बावजूद शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहने की उनकी चाहत ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।